दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में आपने जो पहले कहावतें शायद सुनी होंगी, आज वो बिल्कुल सही और बिल्कुल फिट बैठ जाएंगी। यहाँ पर ये जो नोट मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये दोस्तों आज यानी कि आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं 4 दिसंबर 2023, यानी 4 दिसंबर 2023 का यहाँ पर ये नोट हम सभी के सामने है। और इसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आप सभी को जाननी बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, यहाँ पर मिस्टर श्री लवु श्री कृष्णा, ये यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं अपनी तरफ से कि भाई यहाँ पर जो क्रिप्टो मार्केट में चल रहा है, खास करके इंडिया में, उसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट का क्या सोचना है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर यहाँ पर जवाब भी दिया है कि भाई ठीक है, जो आप यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ए बी सी डी, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आंसर भी यहाँ पर देखिए दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। और यहाँ पर ये जो जवाब दिया गया है, इसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा कि फिलहाल के समय पर इंडिया में यहाँ पर टैक्सेशन का जो रूल है वो 1% TDS आपको देना होगा। अभी यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता है कि बियर मार्केट चल रही थी पिछले 2-2.5 सालों से, और ये जो टाइम यहाँ पर चल रहा है, ये यहाँ पर बुल रन है, यानी बुल सीजन है। यहाँ पर जो न्यूज़ है उनका इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होता है, और यहाँ पर ऐसी न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट होना स्टार्ट अगर गलत हो जाएंगे तो भाई बुल मार्केट पर भी उसका फर्क होता है, क्योंकि 2024 में हालविंग होने जा रही है और ये सभी को पता है। अब ये जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने अपनी तरफ से जो चीज़ें लिखी हैं इसमें, शायद उन्हें जितनी नॉलेज है, नहीं है, नॉलेज होगी भी ऐसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रॉपर उसमें आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई ठीक है, जो चीज़ें आप पूछ रहे हैं वो बिल्कुल, आपकी बातें बिल्कुल सही है, जो टैक्सेशन के रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं वो भी बातें आपको सही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई आपको उन चीज़ों के बारे में प्रॉपर गाइडेंस भी होनी चाहिए। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाइडेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें यहाँ पर नॉलेज होगी तभी उन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी है और गवर्नमेंट की तरफ से उसका प्रॉपर जवाब भी दिया गया है। अब यहाँ पर जो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं, अच्छी चीज़ें हालांकि उन्होंने पूछी हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट में होता क्या है कि सेंटीमेंट्स कुछ जगह गलत भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें पूछी हैं वो अच्छी हैं कि भाई यहाँ पर द डिटेल्स ऑफ द ऑल रजिस्टर्ड एंटिटीज एज पर द AML एंड CFT गाइडलाइंस, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो CFT गाइडलाइन के अनुसार हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो सही है नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया है, द डिटेल्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर VDA SPs आर enclosed एज एन एक्सचेंज। तो दोस्तों यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो सारी सारी चीज़ें पहले से ओपन की गई हुई हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि अगर आप शायद नॉलेज नहीं होगी आप सभी को भी इसके बारे में कि भाई अगर आप बाइनेंस पर या वर्ल्ड के किसी भी एक्सचेंज पर वहाँ पर आप ट्रेड कर रहे होंगे या जो भी आपने वहाँ पर पेयरिंग कर रखी होगी या जो भी आप फ्यूचर या लॉन्ग जिस भी तरह का आप वहाँ पर ट्रेड कर रहे होंगे, कितना टैक्स देना है नहीं देना है, तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, ये आप जवाब यहाँ पर आप सुन लीजिएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेदर दीज गाइडलाइंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल टू ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस सर्विसिंग द इंडियन मार्केट, यानी कि जो इंडिया से बाहर के जो एक्सचेंजेस है, क्या ये जो गाइडलाइंस है वो उन सभी, यानी कि जो देश से बाहर के एक्सचेंजेस हैं, जो ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस, तो उनके ऊपर भी क्या ये गाइडलाइंस लागू हैं। तो दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट का दोस्तों भाई सीधा बिल्कुल यहां पर ये क्लियर कट कहना है, यस द गाइडलाइंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल टू ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस सर्विसिंग द इंडियन मार्केट, यानी कि जो इंडियन मार्केट में अपनी सर्विस यहाँ पर दे रहे हैं सभी के ऊपर यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस है भाई वो लागू हैं। तो आप सभी जितने भी यहाँ पर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो में डील करते हैं या सोच रहे हैं आने वाले समय में, तो आप सभी को पता होना चाहिए कितना टैक्स आपको देना है, कितनी इनकम के ऊपर आपको देना है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप सभी को पता होगा कि इंडियन मार्केट में यहाँ पर जो एक्सचेंजेस हैं, यानी अच्छे एक्सचेंजेस थे, पहले की बात करें अगर हम 2020-21 बुल मार्केट से पहले, जैसे जेपे, यूनिकॉर्न, इस तरह से 2-3 बड़े एक्सचेंजेस थे, आज के समय में उन्हें इंडिया में कोई नहीं पूछता और ना ही लोग उन पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। कुछ जैसे एक्सचेंज यहाँ पर इंडिया में आए भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पर जैसे वर्ल्ड क्लास एक्सचेंजेस हैं, क्रैकन हो गया, बाइनेंस हो गया या अदर जो वर्ल्ड क्लास एक्सचेंजेस हैं, उनकी सर्विसेज बहुत फास्ट है
और सर्विस के साथ साथ उन पर वहां पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो वहां पर आपको वॉल्यूम भी मिलता है। तो एक्सचेंज पर ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से चीजें साथ, जैसे आप यूएसडीटी के पेयर में अगर उसमें आप करेंगे तो भाई आपको उस चीज के बारे में जानकारी जरूर मिलेगी। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरह की जो चीजें यहाँ आने वाले समय में अगर आपको और भी चीजें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिले तो आपका क्या सुझाव है, आप क्या कहना चाहते हैं इन चीजों के बारे में। इंतजार रहेगा।